Okay, so in this problem, we have a point charge Q. See, the figure shows a point charge Q placed normally at a distance A by 2 above a square charged plate of side A. एक स्क्वायर चार्ज प्लेट है ऑफ साइड ए एंड उसके सेंटर से ए बाय टू डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू को रखा है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट. ऑलराइट, सो सबसे पहले यू कैन आर्ग्यू बाय सिमेट्री दैट द फोर्स ऑन द पार्टिकल वुड बी लाइक दिस. सो इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज लाइक दिस, द फोर्स ऑन द प्लेट वुड बी लाइक दिस, है कि नहीं? ये रहेगा फोर्स ऑन दी पार्टिकल एंड फोर्स ऑन दी प्लेट. नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? ये तो सिंपली, ये तो हमने क्या किया, एक सिमेट्री से आर्ग्यूमेंट, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ढूंढा. नाउ इट इज इजियर टू फाइंड दी फोर्स ऑन दी प्लेट ड्यू टू दी चार्ज. ठीक है, क्योंकि इस प्लेट की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो वॉट विल डू इज, ये जो प्लेट है इस प्लेट को छोटे छोटे एरियाज में बांट देते हैं. सो लेट्स से कि वी हैव एन एरिया लाइक दिस, इस तरह से एक एरिया मान लो कि आई यूज सम अदर कलर, वेट, ये एक एरिया, ठीक है, दिस इज एन एरिया एंड इस एरिया का वैल्यू है डी ए. इस एरिया का वैल्यू है डी ए वेक्टर. नाउ इस डी ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? इट वुड बी डाउनवर्ड्स, दिस वुड बी डी ए वेक्टर, है कि नहीं? नाउ ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, इधर फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, इधर फोर्स का डायरेक्शन देखो, इट वुड बी लाइक दिस. ये दिस इज दी फोर्स डी एफ ऑन दिस एलिमेंट. ठीक है, ये ध्यान से देखना, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये डी ए एरिया का जो एलिमेंट है उस पे जो फोर्स लगेगा वो ये रहेगा. नाउ इस पे जो चार्ज होगा कितना होगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट? चार्ज ऑन दिस एलिमेंट डी क्यू इज गोइंग टू बी सिग्मा डी ए. ओके, सो व्हाट इज डी एफ वेक्टर? डी एफ वैक्टर या फिर ओके डी एफ वैक्टर क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. डी क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इधर इलेक्ट्रिक, डी क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नाउ मुझे तो ये फोर्स चाहिए, इस फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए? ये जो F, मेरा जो F वेक्टर रहेगा, द नेट फोर्स F वेक्टर इज गोइंग टू बी इंटेग्रल डी एफ कॉस थीटा. इफ आई से दैट दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को थीटा ले लो, तो डी एफ कॉस थीटा होगा विच इज पैरेलल टू द डी ए वेक्टर, तो डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा. ओके, दिस इज इंटेग्रल डी एफ कॉस थीटा. नाउ इंटेग्रल डी एफ कॉस थीटा, अब इसमें देखो इसका डी एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. डी एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से क्या आएगा? देखो, यू विल गेट इंटेग्रल डी क्यू का वैल्यू क्या रहेगा? सिग्मा डी ए टाइम्स ई वेक्टर. तो इसमें सब्सटीट्यूट करो, डी एफ का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, यू कैन राइट सिग्मा डी ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा. अब यू कैन सी दैट सिग्मा इज अ कॉन्स्टेंट, सिग्मा को बाहर निकाल लो, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल क्या आ गया? इंटेग्रल ई डी ए कॉस थीटा. इंटेग्रल ई डी ए कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू व्हाट? यू कैन राइट इट लाइक दिस, इंटेग्रल ई डॉट डी ए. नाउ ये क्या हो गया? दिस इज द फ्लक्स. ये क्या है? दिस इज द फ्लक्स, है कि नहीं? तो इसमें से सिंपली अपने को एफ का वैल्यू क्या मिला? एफ का वैल्यू मिला सिग्मा टाइम्स फ्लक्स. नाउ द आइडिया इज टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस. तो वो तो हमने ऑलरेडी किया है, वी नो दैट कि वो क्यूब से क्लोज कर सकते हैं अपने इसको. इफ वी क्लोज द होल थिंग यूजिंग अ क्यूब और ये चार्ज क्यू वुड बी एट द सेंटर,
then what would be the flux? इधर से जो फ्लक्स रहेगा वो फ्लक्स कितना रहेगा? फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो जस्ट प्लग इन दैट वैल्यू, तो अपने को एफ का वैल्यू क्या मिला? एफ इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फोर्स ऑन द प्लेट. ओके, व्हाट वी हैव डन हियर इज कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सी हियर द फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स विल बी ड्यू टू द चार्ज. On the through the plate. उस प्लेट में से Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस तरह से देखो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा ना इंटेग्रल E डॉट dA, बिकॉज हियर E इज प्रोड्यूस्ड बाई द चार्ज Q. ओके, एंड यस, इधर मैंने एक स्मॉल मिस्टेक, स्मॉल क्यू के बदले कैपिटल क्यू लिखना है, बिकॉज इन द प्रॉब्लम इट इज कैपिटल क्यू. ओके, सो सिग्मा क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट आएगा. ओके ओके, सो इन दिस क्वेश्चन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड कोएक्सियल डिस्क्स ए एंड बी हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन एंड सिग्मा टू रिस्पेक्टिवली इज एफ. इस पे इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है, और इनके बीच का जो फोर्स है इट इज एफ. मतलब लेट्स से कि ये जो डिस्क है, छोटा डिस्क है, उस पे फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे एफ लगेगा, रिपेल करेगा. राइट, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क बी ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए, मतलब ए नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा, ए के वजह से जो फील्ड यहां पे होगा उसका फ्लक्स कितना रहेगा? तो देखो, यहां पे अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं लाइक दिस, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर कैसा रहेगा? दिस वुड बी द एरिया वेक्टर डी ए, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया वेक्टर, राइट? एंड इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. Electric field here is this, okay, and the angle between E and dA is theta. Okay, so this is theta. अब इधर से जो छोटा सा flux जा रहा होगा वो flux कितना रहेगा? देखो, flux through the element, flux through the element कितना रहेगा? d phi, and d phi would be equal to what? E dA cos theta. या पहले जनरल लिख देता हूं, इट इज E डॉट dA या फिर E dA cos theta, राइट? अब what is the force on the element due to force on the element due to the electric field E along the axis kya rahega wo? DF is going to be equal to, df will be equal to sigma 2 into e into, sorry, sigma 2 into dA, ye ho gaya charge, into electric field into cos theta. Okay, so yahan se isko slightly rearrange kar do, to sigma 2 into e dA cos theta. एंड ये ई डी ए कॉस थीटा क्या है? इट इज डी फाइव. तो डी एफ का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा टू टाइम्स
डी फाइव, मतलब डी फाइव क्या क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी डी एफ बाई सिग्मा टू, दैट इंप्लाइज टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाइ वुड बी इंटेग्रल डी फाइ विच इज इंटेग्रल डी एफ बाय सिग्मा टू, मतलब फ्लक्स इज गोइंग टू बी एफ बाई सिग्मा टू. ओके, फ्लक्स थ्रू बी ड्यू टू द फील्ड बाई ए.